मिर्च में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेडिटेरियन आहार की, इसकी विशेषताओं की और कैसे हम इस आहार को भारतीय आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान ये साबित करते हैं कि ये आहार हृदय के रोग, भूलने की बीमारी, मधुमेह, डिमेंशिया, स्ट्रोक और कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम करता है। मेडिटेरियन आहार परंपरागत रूप से मेडिटेरियन समुद्र के मध्य प्रदेश जैसे सीरिया, तुर्की, ग्रीस, इटली, लेबनान क्षेत्रों में ग्रहण किया जाता है। मेडिटेरियन आहार व्यक्तिगत खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है क्योंकि ये एक खाने और पकाने का तरीका है। चलो अब हम मेडिटेरियन आहार की विशेषताओं को देखें और उनकी तुलना भारतीय आहार से करें। पहली विशेषता है फल। फल कैंसर की रोकथाम करता है। फल भारत में उपलब्ध है। पूरे फल का लेना आवश्यक है स्मूदी रूप में। फल रस को फल फाइबर और रफेज के साथ लेना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है सब्जी। सब्जियां भारत में उपलब्ध है पर हम सब्जी को ज्यादा जरूरत से ज्यादा पकाते हैं, जरूरत से ज्यादा नमक और घी या तेल डालते हैं। हल्की पकी हुई सब्जी स्वास्थ्य है क्योंकि इससे सूक्ष्म पुष्ट रिहा होते हैं और ये पचाने में भी आसान होती है। तीसरी विशेषता है होल ग्रेन्स। मुझे ये देखकर बहुत निराशा होती है कि हम मैदे और ब्रैन रहित और चोकरहीन बारीक पीसे हुए गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। जो आटे हम परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते थे जैसे कुट्टू का आटा, जौ, बाजरा, मक्की, ज्वाहर, वो आटे अब हम छोड़ रहे हैं। चौथी विशेषता है बीन्स एंड लेंटल, सेम और दालें। शाकाहारी लोगों के लिए ये एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। पांचवी विशेषता है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जड़ी बूटी और मसाले। हम भारतीय आहार में इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये मुमकिन है कि इसी वजह से भारतीयों में कैंसर का रेट कम है। मेडिटेरेनियन आहार की छठी विशेषता है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। मेडिटेरेनियन देशों में इसको कच्चा इस्तेमाल किया जाता है। ये विटामिन ई, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्पाउंड्स का अच्छा स्रोत है। आपको मालूम है कि इसका स्मोक पॉइंट, जैसे कि इसको ऊंची आंच पर भी रखें 410 डिग्री पर भी ये विषाक्त नहीं होता, परंतु दूसरे तेल विषाक्त हो जाते हैं। इसीलिए जैतून का तेल खाने और पकाने के लिए स्वस्थ है। तले हुए खाने को रोकना बहुत जरूरी है। इसका कारण ये है कि तलने से खाना और तेल दोनों टॉक्सिक हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं और उनसे हेल्थी कॉम्पाउंड्स जो स्वास्थ्य यौगिक वो खराब हो जाते हैं। ऊंची आंच पर और तेल के इस्तेमाल से तेल और खाना दोनों विषाक्त हो जाते हैं। सातवीं विशेषता मेडिटेरेनियन आहार की है फिश, मच्छी। मछली प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये भारत के तटीय राज्यों में भारी मात्रा से ग्रहण की जाती है परंतु अंतरीय देशों में बहुत कम। अगला विशेषता है एग्स, अंडे। ये एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है परंतु भारतीय नाश्ता, सुबह का नाश्ता ज्यादातर से तले हुए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगली विशेषता है मुर्गी, चिकन। ये सफेद मांस माना जाता है तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा है और भारत में इसका इस्तेमाल प्रयोग बहुत होता है और ये सबकी सबसे पहली पसंद है। अगली विशेषता है रेड मीट, लाल मांस। मेडिटेरेनियन प्रदेशों में इसका इस्तेमाल कम होता है और भारत में लाल मांस का इस्तेमाल उससे भी कम। ये वजह है कि भारत में कैंसर का दर बहुत कम है। अगली विशेषता है चावल। मेडिटेरेनियन रीजन में प्रदेशों में चावल भूरे रंग के, फेरो, बल्गर और इस प्रकार के खुसखुस का इस्तेमाल होता है। भारत में सफेद चावल का प्रयोग बहुत होता है। हमें इसकी जगह भूरे चावल या पर्ल मिलेट, जो कि मोटा दानेदार बाजरा होता है, इन प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिटेरेनियन आहार की अगली विशेषता है स्नैक्स या जलपान। मेडिटेरेनियन जलपान फल, नट्स और बीज
का होता है, परंतु भारतीय जलपान ज्यादा तला, ज्यादा से ज्यादा नमक और कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। हमें नट्स, बीज ये चीजें बिना नमक और बिना तले हुए लेनी चाहिए। अगली विशेषता है मिठाई। मिठाई मेडिटेरेनियन क्षेत्र में बहुत कम इस्तेमाल होती है, परंतु भारत में और भारतीयों में के बीच मिठाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सुबह शाम खास त्योहारों पर, खास मौक़ों पर बहुत ज़्यादा ग्रहण की जाती है। अभी हमने मेडिटेरेनियन आहार की विशेषताओं की तुलना भारतीय आहार से की, क्यों ना हम इस मेडिटेरेनियन आहार की विशेषताओं को अपना लें और अपने भारतीय आहार में सम्मिलित कर लें। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा आहार खाने और पकाने का तरीका माना जाता है, और इस आहार को सम्मिलित करके इसको मेडिटर-इंडियन आहार बोलें या इंडो मेडिटर-इंडियन आहार बोलें। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।